बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टॉपिक मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। ग्लेशियर, अब ग्लेशियर है क्या? अ लार्ज मैस ऑफ फ्रोजन आइस इन माउंटेन वैलीज डेट मूव्स डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड ग्लेशियर। के बहुत बड़ा हिस्सा फ्रीज हुई हुई जमी हुई आइस या बर्फ़ का पहाड़ी वादियों में, जो कि मूव डाउन नीचे की तरफ आता है, जैसे इस पिक में दिखाया गया है स्लोप्स की डलवानों की सूरत में, वो ग्लेशियर कहलाता है। ग्लेशियर्स फॉर्म इन एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, के ग्लेशियर जो हैं ये बनते हैं उन इलाकों में जो कि बुलंदी वाले होते हैं। ड्यू टू लो टेम्परेचर, कम दर्जा हरारत की वजह से, एंड स्नोफॉल और बर्फ़बारी की वजह से, व्हेन द आइस रिमेंस फ्रोजन कंटिन्यूसली, जब बर्फ़ जो है लगातार जमी रहती है, आइस एट द बॉटम हार्डन, तो जो बॉटम पे या नीचे जो बर्फ़ होती है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, एंड बिगन टू स्लाइड टूवर्ड्स लोअर एलिवेशन, तो वो जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ बुलंदी से स्लाइड बनाना या ढलवान बनाना शुरू करती है। रिजल्टेंटली द ग्लेशियर मूव्स, तो इसके नतीजे में जो ग्लेशियर्स हैं वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन विच डज़ नॉट यूजली गेट मच कोल्ड एंड रेन, कि पाकिस्तान एक ऐसे हिस्से में रहता है, ट्रॉपिकल जोन में रहता है, जो कि ना तो आम तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही उसमें बारिशें होती हैं। बट द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान विद द हाईएस्ट माउंटेंस, लेकिन पाकिस्तान के शुमाली और शुमार मशरकी इलाके जो हैं वो के उसमें क्या हैं कि हाईएस्ट माउंटेन हैं, बुलंदोबाला पहाड़ हैं ऑफ़ द वर्ल्ड, दुनिया के लाइक हिमालयाज, कराक्रम एंड हिंदूकश, ये इनके नेम हैं हिमालय, कराक्रम और हिंदूकश, रिमेन कवर्ड विद स्नो ऑल द होल ईयर, कि ये सारा साल ढके रहते हैं बर्फ़ से। देर आर सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड इन दीज माउंटेन रेंजेस, इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े ग्लेशियर भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग मेजर ग्लेशियर्स लाइक सियाचिन, बल्तोरो, बियाफो, बतोरा एंड हिस्पर ग्लेशियर, ये इनके नेम हैं। सबसे पहले हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। द वर्ड सियाचिन इज़ टेकन फ्राम द बल्ती लैंग्वेज, बल्ती लैंग्वेज से ये लफ्ज़ लिया गया है, विच नेम्स वाइल्ड रोज, जिसका मतलब है जंगली गुलाब। दिस प्लांट ग्रोज़ इन लार्ज नंबर ऑन दिस ग्लेशियर, इस ग्लेशियर पर ये जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा तादाद में उगता है, सो पीपल ऑफ बल्तिस्तान कॉल इट सियाचिन, तो इसलिए बल्तिस्तान के लोग इसको सियाचिन कहते हैं। इट्स लेंथ इज़ 70 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 70 किलोमीटर है। इट इज़ लोकेटेड इन कराक्रम रेंज, और ये कराक्रम रेंज या कराक्रम के जो सिलसिला है उसमें ये वाक़या है। बल्तोरो ग्लेशियर, बल्तोरो ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द बल्तिस्तान, ये बल्तिस्तान में वाक़या है। इट्स लेंथ इज़ 62 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, 62 किलोमीटर है। द फेमस K2 पीक इज़ आल्सो लोकेटेड इन द सेम ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर में जो मशहूर K2 की चोटी है वो भी पाई जाती है। द ब्राल्डो रिवर आल्सो ओरिजिनेट्स फ्राम द सेम ग्लेशियर, जो ब्राल्डो दरिया है वो भी इसी से निकलता है, एंड फॉल्स इनटू रिवर इंडस, और वो दरिया सिंध में जाके गिरता है। दिस ग्लेशियर कैन बी एक्सेस्ड फ्राम सकर्दू सिटी, और ये जो है सकर्दू सिटी में जाके ये एक्सेस होता है या पहुंचता है। बतोरा ग्लेशियर, बतोरा ग्लेशियर इज़ 54 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज़ लोकेटेड इन गोजल वैली इन गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की जो गोजल वैली है उसमें ये वाक़या है, और इसकी जो लंबाई है वो 54 किलोमीटर है। बियाफो, बियाफो ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द माउंटेन्स ऑफ कराक्रम रेंज, ये कराक्रम के जो सिलसिले हैं पहाड़ी उनमें ये वाक़या है। इट्स लेंथ इज 63 किलोमीटर, इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है, एंड इज़ कनेक्टेड विद हिस्पर ग्लेशियर विच इज़ लोकेटेड हंजा वैली, और ये जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है हिस्पर ग्लेशियर से, जो कि लोकेटेड या वाक़या है हंजा वैली में।
हिस्पर ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन बल्तिस्तान एरिया ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका है बल्तिस्तान का, उसमें हिस्पर ग्लेशियर है। दिस ग्लेशियर इज़ 49 किलोमीटर लॉन्ग, और ये 49 किलोमीटर लॉन्ग है। द रिवर हिस्पर ओरिजिनेट्स फ्राम द सेम ग्लेशियर। रिवर हिस्पर जो है वो भी इसी ग्लेशियर से निकलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की अहमियत। द माउंटेंस ऑफ कराक्रम रेंज लोकेटेड इन पाकिस्तान आर वन ऑफ द मोस्ट ग्लेशियटेड एरियाज़ इन द वर्ल्ड। के दुनिया में जो है वो एक दुनिया के एक अहम जो है वो हिस्सा है जो कराक्रम रेंज है, कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला, जहाँ पे ग्लेशियर जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। द फ्रेश वाटर ऑफ दीज ग्लेशियर्स फ्लो इनटू रिवर्स, कि जो ताज़ा पानी है ग्लेशियर्स का वो बहता है दरियाओं में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ड्रेन्स, नदी नालों की सूरत में। द रिवर्स विच फ्लो इन पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्राम दीज ग्लेशियर, पाकिस्तान में जो दरिया बहते हैं वो इन ग्लेशियर से निकलते हैं। इन एडिशन और इनके साथ सेवरल फ्रेश वाटर लेक्स, बहुत सारी ताज़ा पानी की झीलें हैव बीन फॉर्म्ड, वो भी बनती हैं दीज माउंटेन रेंजेस, इन पहाड़ी सिलसिलों में, ड्यू टू द डिग्रेडेशन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जो मेल्ट होता है, पिघलता है ग्लेशियर, उसकी वजह से। विच मीट द लोकल नीड्स ऑफ वाटर, जो मकामी ज़रूरियात जो लोगों की हैं पानी की, उसको पूरा करता है। आउट ऑफ दीज, इसके अलावा सैफ अल मलूक, सतपारा एंड शंदूर आर द इम्पोर्टेंट लेक्स, ये जो हैं बहुत अहम झीलें हैं। दीज लेक्स हैव ग्रेटली इनहेंस द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया, और ये जो झीलें हैं इनकी वजह से इस एरिया की ब्यूटी या खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है या इसको बढ़ा देती हैं। विच मेक्स दिस एरिया अट्रैक्टिव फॉर टूरिज़म, जिसकी वजह से ये जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है, मुतासर कुन हो जाता है सेहत के लिए। इन एडिशन दिस लेक्स आल्सो सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ इन दिस एरिया, इसके साथ साथ ये एक्वेटिक लाइफ, ये पानी के अंदर जो ज़िंदगी है उसको भी सपोर्ट कर रही हैं।